हेलो नमस्ते दोस्तों, आज सरोज शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो मिठाई बनाने के लिए ये मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर मैंने 500 ग्राम लिया है। आपको जितना बनाना उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और मिल्क पाउडर मार्केट में बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। और मिठाई बनाने के लिए मैंने बड़ा वाला बाउल लिया है। तो सबसे पहले जो मैंने मिल्क पाउडर लिया था इसको इसमें ऐड करेंगे इस तरीके से। और इसमें हमें 2 बड़े चम्मच घी डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें घी के ऐड किए, घी डाल दिए हैं। तो फिलहाल तो हमें 2 चम्मच मैंने घी डाले थे, 2 को ही मिक्स करना है। और इसमें हमें 2 और चम्मच घी डालना है। और इसको भी अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से, ताकि जो हमारा मिल्क पाउडर है वो बिल्कुल घी में अच्छे से मिक्स हो जाए। इतना हमें मिक्स करना है। और ये मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। आपको मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी टेस्टी मिठाई लगेगी खाने में। तो ये हमारा घी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है, देख सकते हैं। हमें इस टाइप से इसको मिक्स करना है। तो ये देख सकते हैं अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट मिक्स हो चुका है ये बैटर हमारा। तो मैंने इसमें 4 चम्मच घी डाला है। तो हमें बैटर को इस टाइप का बनाना है। तो देख सकते हैं बैटर इस टाइप का हो चुका है हमारा। तो अब हमें कढ़ाई लेना है। तो चाशनी बनाने के लिए ये मैंने कढ़ाई ली है और ये मैंने 250 ग्राम शक्कर ली है चाशनी बनाने के लिए। तो शक्कर को मैंने डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। और जो मैंने शक्कर ली थी उससे आधा मैंने जो बाउल है आधा पानी का लिया है, ये देख सकते हैं। तो मैंने जितनी मैंने चीनी ली थी 250 ग्राम, तो आधा आधा करके हम दो भर में मैंने पानी डाला है। तो 250 ग्राम ही मैंने पानी लिया है चाशनी के लिए। और गैस मैंने ऑन कर दिया। अब हमें चाशनी बनाना है। और चाशनी जब तक नहीं पिघल जाती तब तक हमें अच्छे से इस तरीके से हमें चलाना है। और ये मिठाई आप घर में बिल्कुल इजी तरीके से बन जाएगी, आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज का झंझट नहीं लगेगा मिठाई बनाने में। और खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी ये मिठाई। और आपको मार्केट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ये मिठाई खाने के बाद में, इतनी टेस्टी बनेगी ये मिठाई। और जब तक हमारी चाशनी बनती है तो ये मैंने जमाने के लिए ट्रे लिया है। और ये मैंने बटर पेपर लिया है, लेकिन नीचे घी लगाएंगे इस तरीके से। इसमें प्लेट में भी हमें ट्रे में भी घी लगाना है। आपके पास में जो भी ट्रे हो आप उसी में मिठाई को सेट कर सकते हैं। और अब इस बटर पेपर को इसमें अच्छे से सेट कर लेते हैं। अगर आपके पास में बटर पेपर नहीं है सिर्फ कागज है तो उसमें भी आप घी लगा के इस तरीके से सेट कर सकते हैं। इससे ये होता है कि हमारी जो मिठाई है बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। तो ये घी लगा के मैंने अच्छे से इसको बिल्कुल परफेक्ट सेट कर लिया है। ये मैंने थोड़े से बादाम कट करके लिए और ये मैंने पिस्ता लिया है। तो इसको भी दोनों को मिक्स करके और इस पे नीचे डाल देंगे इस तरीके से। और आप जितनी मिठाई बनाएंगे उतने में ही आपको डालना है, जितनी सेट कर पाए मिठाई को।
तो ये मैंने अच्छे से डाल दिया है। तो अब हमें चाशनी को देख लेना है। और ये देख सकते हैं चाशनी भी हमारी लगभग बन चुकी है, इस तरीके की हो चुकी है चाशनी। और हमें चाशनी को चेक कैसे करना है, तो इस पे थोड़ा सा हाथ पे लेके और चेक करेंगे। तो अब इस चाशनी को हमें 2 मिनट के लिए और पकाना है। और इसको थोड़ी सी लेके हम देखते हैं, तो अभी थोड़ी चाशनी बनने में थोड़ा सा टाइम है। हल्का इसमें चिपचिपापन आने लग जाए, जैसे हमारा तेल होता है, ऑयल होता है, उस तरीके का हाथों पे चिपचिपापन होने लगे, तो समझ जाए कि आपकी चाशनी बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा चाशनी बनाने में। और हमारी जब तक चाशनी परफेक्ट नहीं बनेगी तो मिठाई भी परफेक्ट नहीं बनेगी, तो इसलिए हमें ये भी बिल्कुल ध्यान में रख के ही बनाना है, चाशनी परफेक्ट बनाना है। तो चाशनी हमारी बनकर के तैयार हो चुकी है। और अब हमें इस मिल्क पाउडर को इसमें डालना है। तो इसको हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करना है, एक साथ में नहीं डालना है। तो ये देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पूरे मिल्क पाउडर को डाल दिया है। और इसको अब अच्छे से मिक्स करना है। जो बाकी का घी बचा था 1 चम्मच, तो वो भी डाल देते हैं इसमें। तो इसमें करीब 5 चम्मच घी की डल चुकी हैं। इससे हमारी जो मिठाई बनेगी बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। तो इसको पकने में 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इस टाइम में। और ये मिठाई आप जब खाएंगे तो आप खुद को भी यकीन नहीं होगा कि कितनी स्वादिष्ट मिठाई बनी है। और इसमें बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ही कम टाइम में बनने वाली मिठाई है। 7 से 8 मिनट में ये मिठाई तैयार हो जाती है। तो देख सकते हैं कढ़ाई पे चिपकना बंद होने लगी है मिठाई हमारी। और इसको हमें चलाना बिल्कुल कंटिन्यू है इस मिठाई को, नहीं तो नीचे थोड़ी सी लग सकती है। तो मिठाई देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारी जमाने लायक हो चुकी है। गैस मैंने बंद कर दी है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है पैन पे, देख सकते हैं नीचे। तो अब इसको ट्रे में जमा लेते हैं, 1/2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। तब तक हम बिल्कुल ठंडा करके और इसको काटेंगे। ये देख सकते हैं अच्छे से सेट हो चुकी है, तो इसको निकाल के कट कर लेना है। तो मैंने देख सकते हैं मिठाई को निकाल लिया है और इसको हमें कट कर लेना है। तो इसको कट कर लेते हैं। तो ये मैंने कट कर लिए हैं। तो ये हमारी मिठाई बहुत ही प्यारी और बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार हो चुकी है। और प्लीज़ अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए। सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी। और हमारे फेसबुक पेज को पे भी आप फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।